जी, आई रियली लाइक व्हाट यू सेड. आई थिंक कि आपने सारे सवालों का बड़ा अच्छा जवाब दिया, और जो आपके अंदर आइडियलिज्म है, जो एक आपका ड्रीम है, जो ख्वाब आप देख रहे हैं, मेरी तरफ से दुआएं हैं आपको कि आप कामयाब हों इसमें. मेरी दुआएं हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आए जो वाकई पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जिनका इरादा हो कि पाकिस्तान में खुशहाली आए. और ये न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन हम सब के लिए अच्छा होगा. तो मेरी दुआएं हैं कि आप कामयाब हों इसमें, और जो नियत आप लेके चले हैं उसमें आप कामयाब हों. और मेरा दिल ये कहता है कि आप कामयाब होंगे, इसलिए क्योंकि आप कई सालों से इसमें लगे हैं. और जब आपने शुरू किया था, उस वक्त आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, और अब तक आप इसमें अटल रहे हैं. यू आर फर्म इन योर कन्विक्शन एंड यू आर स्टिल एट इट. सो आई फील दैट द टाइम इज राइट, एंड आई होप दैट यू गेट ऑल द सपोर्ट दैट यू लुकिंग फॉर. ऑल द वेरी बेस्ट, और अपना ख्याल रखें. और आपने भूलना नहीं आना यकीन इलेक्शन से पहले. जैसे नहीं, मैं अलहदा दूसरी चीज कहूंगा, जब आप इलेक्शन जीतेंगे तो आपकी इलेक्शन की जीत सेलिब्रेट करने के लिए मैं जरूर आऊंगा, और मैं बहुत सारे इंडियंस को लेके आऊंगा अपने साथ. इसके बाद उन्होंने वादा किया है, अली जफर आपने सुन लिया, ये वीजा फ्री रेजिम होगी, फिर सब जा सकते हैं. अली, अच्छा इंडिया के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के प्रोग्रेस के लिए, बका के लिए, तरक्की के लिए कितने जरूरी हैं? अगर हैं तो उसके लिए क्या इकदाम, क्या स्टेप्स आप लेंगे? बिकॉज ये एक सोर पॉइंट रहा है. एंड डू यू रियली थिंक के गुड रिलेशनशिप विद इंडिया इज ऑल्सो वेरी की कॉम्पोनेंट टू द प्रोग्रेस इन पाकिस्तान? अली, इतना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंतर्गत तजारत शुरू हो जाए, इसके इतने बेनिफिट्स हैं. मैं आपके साथ बैठे हुए जहांगीर तरीन, जहांगीर तरीन जी हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर हैं और ये हमारी पॉलिसी मेकिंग के हेड हैं. इनकी खास बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान में मॉडल फार्म्स बनाए और इन्होंने मॉडल इंडस्ट्री सेटअप की है. मॉडल यानी कि वो बाकी सारे मुल्क में से सबसे बेहतरीन प्रोडक्टिविटी इन्होंने दी. इनका यह ख्याल है कि जितना हम गेन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान कंपीट करके एक दूसरे की, अगर हम ट्रेड शुरू करें, तो ये इसके बेनिफिट्स हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रेड अब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नॉन एग्जिस्टेंट है. वो होती भी है तो वो दुबई के जरिए आती है. अगर यह डायरेक्ट ट्रेड शुरू हो जाए, दोनों की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा. हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो म्यूचुअली बेनिफिशियल होंगी. कई चीजें हिंदुस्तान को फायदा होगा, कई पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा. और फिर ट्रेड कॉरिडोर है, हिंदुस्तान को मार्केट्स चाहिए, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया है, ईरान है. तो इसके कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता. लोग समझते हैं, एक एस्टिमेट यह है कि हमारी ट्रेड बड़ी तेजी से 100 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगी. तो इसके बेनिफिट्स आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं. और इसके अलावा जो हम गेन कर सकते हैं, कई चीजों में इंडिया बहुत आगे चला गया, वो पाकिस्तान को उसका बड़ा फायदा है. और हिंदुस्तान को खास तौर पर फायदा यह है कि सारा एनर्जी कॉरिडोर पाकिस्तान के जरिए है. तो हिंदुस्तान ने अगर इकोनॉमिक जॉइंट बनना है तो उसको एनर्जी चाहिए, और वो सारा जो भी कैस्पियन से लेकर नीचे ईरान तक, सब कुछ पाकिस्तान के जरिए. तो दोनों को बहुत फायदा है. अली जफर ने एक बड़ा जबरदस्त सवाल बताया था, सवाल उसने दूसरा पूछ लिया, वो पहला सवाल पूछना चाहते हैं. पाकिस्तान में एक इस वक्त जो सोसाइटी है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डायकोटमी है इस वक्त, जहां एक तरफ आपके पास सो कॉल्ड कंजर्वेटिव्स हैं जिनका एक खास माइंडसेट है, और दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव लिबरल. आपका एक बेनिफिट है कि आपने शायद दोनों साइड्स देखी हुई हैं, आप उनमें भी बैठे हुए हैं. अब एक लीडर का किरदार होता है, उसका रोल होता है कि सोसाइटी में एक बैलेंस ऑफ इक्वेशन लेके आनी दोनों के दरमियान, दोनों को डिस किए बगैर. आई गेस हाउ डू यू प्लान टू डू दैट? देखिए अली, जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी वो ये होती है कि वो इंक्लूसिव होती है. अब आपको पाकिस्तान में बताता हूं कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हम पाकिस्तान में बड़े खौफजदा थे कि तो राइट विंग आ गए हैं, ये पता नहीं पाकिस्तान पे हमला कर देंगे. एक्चुअली उस बीजेपी गवर्नमेंट ने
वो डायलॉग शुरू किया जो कोई इमेजिन भी नहीं कर रहा था। और ये जो मैं कश्मीर के ऊपर आपको कह रहा हूं कि हमारे तीन एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स ने हमें बताया कि बड़े करीब पहुंच गए थे सोल्यूशन के, वो बीजेपी के गवर्नमेंट के दौरान शुरू हुआ था। तो देखिए, जब आप लोगों को मेन स्ट्रीम में लगे ना, आपने कई मुझे कहते हैं जी आप वो फलानी एक्सट्रीमिस्ट, उनके कोई जलसा आपने आपके किसी ने रिप्रेजेंटेटिव चला गया वहां, वो आपका कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को मार्जिनलाइज ना करें, इंक्लूसिव करें। जितना आप लोगों को मार्जिनलाइज करेंगे आप उनको रेडिकलाइज कर देंगे। इंग्लैंड के अंदर आज जो ब्रिटिश मुस्लिम है, वो उन्होंने अभी रियलाइज किया है कि वो ब्रिटिश मुस्लिम क्यों रेडिकलाइज हो रहा है, क्योंकि वो मार्जिनलाइज हुआ हुआ है। अब पूरी इंग्लैंड के अंदर कोशिश हो रही है कि उसको मेन स्ट्रीम में खींचा जाए, किसी तरह उनको रिप्रेजेंट किया जाए। इसलिए पाकिस्तान के अंदर इसको जो तकसीम हुई है लोगों की डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ये आर्ट अब ये है कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए। और मैं आज आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ अब वो पार्टी है, हमें कोई ब्रांड नहीं कर सकता लेफ्ट है या राइट है। आप हमारे जलसे देखें, वो वेस्टर्नाइज क्लास आई हुई थी, वह दीनी मदरसे के बच्चे आए हुए थे, वह उर्दू मीडियम आए हुए थे, वहां गरीब आया हुआ था, वह मर्सिडीज के अंदर गाड़ी में लोग आए हुए थे। अक्रॉस द क्लास लाइंस, एथनिक ग्रुप्स, बाय पार्टी आज पाकिस्तान में जो चारों सूबों के अंदर है, बाकी सारी पार्टीज रिस्ट्रिक्ट हो गई है एक सूबे के अंदर। तो ये अगर मुल्क में आपने लोगों को रिकंसराइल करना है और इकट्ठा करना है, वो तहरीक इंसाफ का हमारा मेन ऑब्जेक्ट है।